आभारी हूं कि इस रियल इस्टेट समिट को सफल बनाने में आप सबका योगदान निश्चित रूप से सराहनीय रहा है। जिन हमारे साथियों ने कड़ी मेहनत करके इसको सफल बनाया है, खासतौर से हमारे भारत सरकार के सचिव हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट दुर्गा शंकर जी, धीरज गुप्ता जी, चीफ सेक्रेटरी हमारे डॉक्टर मेहता और नरेडको के हमारे दोनों साथी, दोनों मेयर या बाकी सभी लोग जो इसमें सहयोग किए हैं, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। जैसा आपने सुना कि दूसरी रियल इस्टेट समिट हम लोग 21-22 मई को श्रीनगर में करेंगे। ये आपको मालूम है कि पिछले 1.5-2 वर्षों में जम्मू कश्मीर ने एक युगांतकारी परिवर्तन देखा है, गवर्नेंस की दृष्टि से, डेवलपमेंट की दृष्टि से, और जो नीतियां हैं जम्मू कश्मीर प्रशासन की वो निश्चित रूप से प्रो पीपल हैं, ट्रांसपेरेंट हैं। और अभी इंडस्ट्री के क्षेत्र में जिस तरह से मैंने चर्चा की, मुझे लगता है कि फेवरेट डेस्टिनेशन जम्मू कश्मीर बनता जा रहा है इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि जो इंसेंटिव हमने दिया है, मुझे लगता है कि हमारे आसपास जो दूसरा स्टेट है उत्तर प्रदेश, वो हमसे 100% कम इंसेंटिव देता है। रियल इस्टेट को लेकर के भी जो रिफॉर्म करने हैं, हमारी प्रतिबद्धता है उसे पूरी तरह से करेंगे, चाहे वो स्टैम्प ड्यूटी में कटौती करनी हो, सिंगल विंडो सिस्टम लागू करना हो, और जो इस कन्वेंशन के पहले हमको तैयारी करनी थी वो टेनेंसी एक्ट हमने लागू कर दिया, रेरा की जो औपचारिकताएं थी वो हमने पूरी कर ली हैं, और आपने देखा कि 39 एमओयू आज साइन हुए हैं। मोटे तौर पर लगभग ये 18,300 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव आज प्राप्त हुआ है, और मैं समझता हूं कि इसके कारण जहां संपन्नता भी आएगी, वहीं रोजगार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसर भी लोगों को मिलेंगे। नरेडको के साथ जम्मू कश्मीर सरकार ने 10,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को की स्किलिंग का, या मैं कहूं कि स्किल डेवलपमेंट का काम शुरू किया है, जो काम प्रारंभ हो गया है। आने वाले समय में जब इनकी प्रेजेंस बढ़ेगी तो ये संख्या और बढ़ने वाली। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के इम्प्लाइज के लिए तथा पुलिस पर्सनल के लिए आने वाले दिनों में हम सब आवास बनाने, 1 MOU साइन हुआ है और बाकी लोगों का भी हम जल्दी करने वाले हैं। नरेटको को बधाई देता हूं कि जम्मू कश्मीर चैप्टर भी उन्होंने शुरू कर दिया है, और जम्मू कश्मीर के हमारे जो साथी इससे जुड़े हैं उनको भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि जिस भावना से नरेटको पूरे देश में काम कर रहा है उसी भावना के साथ जम्मू कश्मीर में भी नरेटको काम करेगा। एक बात मैंने कही थी कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ये प्रधानमंत्री जी ने एक योजना प्रारंभ की कि जो भी प्रदेश है उनकी राजधानियों में एक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट होना चाहिए, ताकि वहां की आवाम को, सामान्य नागरिक को, भारत सरकार के सभी कार्यालय एक जगह मिल जाए। तो ये फैसले भी हमने कर लिए हैं, जमीन आइडेंटिफाई कर लिया है हमारे सेक्रेटरी धीरज गुप्ता जी ने, और आने वाले दिनों में CPWD उस काम को प्रारंभ करेगी। तो मोटे तौर पर जो मुख्य बातें थी वो हमने बता दी हैं। भाषण काफी लंबा लंबा हुआ है, इसलिए मसाला आपके पास पर्याप्त है। किसी को हो, कोई संदेह हो तो आप, या कोई शंका समाधान करना हो तो उसके लिए, लेकिन थोड़ा कमी रखिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमसे ज्यादा भूख आप लोगों को लगी। डन सर, अच्छा सर, गुरसिमरन रिपब्लिक टीवी से। सर, सवाल यह है कि रियल एस्टेट जो इंडस्ट्री है वो जम्मू कश्मीर में आ रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के कई ज्यादा राजनीतिक दल, अगर एक दो को छोड़ दें, तो उन्होंने इस तरह के खदशात जाहिर किए हैं कि अगर बाहर से कोई इंडस्ट्री आती है तो
तो एक तो लोगों से ज़मीन छिनेगी और उसके साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट है वो बाहर के लोगों को दी जा रही है, जम्मू कश्मीर के लोगों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही, ये आपके ध्यान में भी होगा, इस बारे में सर आप क्या कहेंगे? मैं इसे पूरी तरह खारिज करता हूं और जो भी हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट या रेलवे और नेशनल हाईवे NHIDCL जो काम कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं देश के दूसरे किसी राज्य से आप तुलना करिए तो लोकल एम्प्लॉयमेंट यहां सबसे ज्यादा दिया गया है। हाँ, ये सच है कि कुछ स्किल्ड काम है जो स्किल्ड आदमी ही कर सकता है, तो अब प्रोजेक्ट अगर पूरा करनी है तो स्किल्ड आदमी चाहिए। बाकी मैं एक एक प्रोजेक्ट के बारे में मेरे पास विवरण है और हर महीने हम रिपोर्टिंग लेते हैं, हमारे पास भी आती है और चीफ सेक्रेटरी के पास भी जाती है, तो मैं इसे पूरी तरह खारिज करता हूं। उपराज्यपाल जी, सुनील भट्ट आज तक से। उपराज्यपाल जी, कई वर्ष पहले यहां पर जम्मू कश्मीर में एक इनिशिएटिव लिया गया था कि जम्मू की तर्ज पर श्रीनगर में भी एक सैनिक कॉलोनी बनेगी, लेकिन उसका काफी विरोध हुआ। अब चूंकि ये रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट होने वाला है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर, तो क्या जो भारतीय सेना के जो रिटायर्ड अफसर हैं, सैनिक हैं, केंद्रीय जो अर्धसैनिक बलों के जो पर्सनल है, क्या उनके लिए यहाँ पर हाउसिंग कॉलोनी बनेगी रिटायरमेंट के बाद और रिटायरमेंट से पहले भी? हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि आपके मुंह में घी शक्कर, तो मैं आपको यही कहता हूँ कि आपके मुंह में घी शक्कर वो सुखद दिन आप जल्दी देखें, ऐसा प्रयत्न बहुत शीघ्र परिणाम में दिखाई पड़ेगा। मैं अरुण शर्मा इंडियन एक्सप्रेस से हूँ। मुझे एक क्वेश्चन है कि आपने अभी तक कितनी लैंड आइडेंटिफाई की है फॉर इंडस्ट्री एंड फॉर रियल एस्टेट, और इसमें कि कोई एग्रीकल्चर सेक्टर से भी लैंड यूज पैटर्न चेंज होगा क्या, जब उसके बिना ही आइडेंटिफाई होगा? देखिए, इंडस्ट्री के बारे में कई बार कहा जा चुका है कि 6000 एकड़ का हमारे पास लैंड बैंक था, हमने इंडस्ट्री को अनुमति दी है कि अगर एग्रीकल्चर लैंड भी इंडस्ट्री के लोग लेते हैं तो लैंड यूज चेंज करने के जो लॉज हैं वो हमने बना दी हैं। जो हमारे पास सरकारी जमीन है, चाहे वो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की हो चाहे श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी की हो, वो रियल इस्टेट सेक्टर को भी हम देंगे और ये लोग निजी जमीन खरीद के भी हाउसिंग कॉलोनी बनाएंगे, तो ऐसा कानून हमने बना दिया है। और जैसा हमारे मुख्य सचिव ने उद्बोधन में बात कही कि अगर पैसा लगाने, हमारे पास पैसा, हम जहां चाहे वहां खर्च कर सकते हैं, तो जिसके पास जमीन है उसको भी ऑप्शन मिलना चाहिए कि उसको सबसे बेहतर व्यवस्था क्या लगती। प्रदीप दत्ता सर, सो हियर इन फ्रंट ऑफ यू, प्रदीप दत्ता फ्रॉम टाइम्स नाउ टीवी चैनल। We have seen that some of the नेताज have once again resorted to fear mongering, डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ये कह के कि ये एक nefarious design है, यहाँ पे demographic change आएगी जब बाहर से real estate वाले आके यहाँ पे जमीन खरीदेंगे। आप उन नेताओं को क्या कहना चाहेंगे जो ऐसा डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जब आप transformation की बात कर रहे हैं? और दूसरा एक और छोटा सा सवाल है, नागालैंड में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को एक मीटिंग कमेटी बन गई है, क्या लगता है कि यहाँ पे भी क्लैमर बिल्ड हो रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ से भी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को हटाया जाना चाहिए, उसमें आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं किसी नेता की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूँ, मेरे पास दूसरा काम है। हाँ, ये जो बात आपने कही है, डेमोग्राफिक चेंज लाने की जो मतलब डर पैदा कर रहे हैं कि डेमोग्राफिक चेंज आ जाए, इससे मुझे लगता है कि लोगों की भावनाओं को भड़काने का एक कुत्सित प्रयास है और इससे कोई डेमोग्राफिक चेंज नहीं आने वाला है। मैंने अपने जब मैं चर्चा कर रहा था तो मैंने सभी रियल इस्टेट के बड़े प्लेयर से भी ये निवेदन किया था कि जो आप काम करने जा रहे हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के भी जो हमारे इस क्षेत्र के प्लेयर हैं उनको साथ जरूर रखिए, और इन सब लोगों ने मुझे भरोसा दिया है कि यहाँ के लोगों को भी हम साथ रख करके जो आगे डेवलपमेंट होगा उसको करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात मालूम है कि देश के सुदूर इलाकों से जो लोग आए हैं, वो ठीक कहा किसी ने कि वो बिजनेस करने नहीं आए हैं, जम्मू कश्मीर का विकास देश का विकास है, इसलिए इस भावना से वो आए हैं और इस बात का ख्याल रखेंगे कि जम्मू कश्मीर में भी हीरानंदानी पैदा हो। और सर, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को लेके जो क्लैमर बिल्ड हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं नागालैंड में कमेटी बनी है तो यहां से भी रिवोक होना चाहिए काफी देर से, उसकी चिंता आप मत करिए, मैं उसे ठीक से देख रहा हूं
अभी मुझे कोई ऐसी जरूरत नहीं महसूस हो रही। सर अमित कुमार व्यू स्टडी न्यूज से। सर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने दो इंपॉर्टेंट चीजें बोली। उन्होंने बोला कि इन्वेस्टर्स ने अपना माइंडसेट बना लिया लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना माइंडसेट बनाने की जरूरत है। दूसरा उन्होंने बोला कि जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो पब्लिक को उचित तरीके से एड्रेस नहीं कर पा रहे। आप JKUT के सर्वोसर्वा है, आप क्या मानते हैं कि क्या जो पॉलिटिकल विल कंट्रीब्यूशन और कमिटमेंट होनी चाहिए क्या वो चीज है? देखिए अब जितेंद्र सिंह जी ने जो कहा उस पर मैं क्यों प्रतिक्रिया दूं, उनसे पूछिएगा, वो जो बताएंगे मुझे लगता है उसी को आप लिखिएगा। नमस्कार सर, ग्रेटर जम्मू पंकज खजूरिया। सर एक क्वेश्चन आप खाओगे कि खाली ग्रेटर जम्मू करोगे? सर खाएंगे भी। सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर, ऐसा माना जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है और जिस तरीके से गवर्नमेंट द्वारा डिसीजन लिए जा रहे हैं, स्टेक होल्डर जो लोकल पब्लिक है उसको बोर्ड पे लाने के लिए क्या प्रयास रहेगा सरकार द्वारा? क्योंकि हमने देखा कि चैम्बर ने भी हाल ही में एक एजिटेशन की थी, एक दिन का प्रोटेस्ट किया था और आए दिन प्रोटेस्ट देखने को आते हैं। कैसा प्रोटेस्ट? जम्मू बंद की कॉल दी थी सर। तो ये उनसे पूछिए क्यों किए थे, लेकिन जो उनके मुद्दे थे सब हमने हल कर दिए थे। सर नीतू सिंह फ्रॉम जेके न्यूज टुडे। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कई डिकेड से यहाँ पर ऐसी कॉलोनीज नहीं बनी थी जिसको लेके जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट काफी हजार्ड हो चुका था, अब आगे आप इसको इसके लिए क्या कहेंगे और क्या ये स्मार्ट सिटी का एक हिस्सा है? देखिए आप मिठाई खिलाइए, आज का सम्मेलन उसी दिशा में एक प्रभावी कदम उठाएगा तो बढ़िया मिठाई लेके आइएगा। सर यहाँ से मैं थैंक यू सर एक सवाल था सर। हो गया यार।